गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जीवन की क्रियात्मक इकाई कोशिका। कोशिका क्या है? कोशिका हमारे शरीर का सबसे छोटा हिस्सा, जैसे छोटी छोटी ईंटों से जुड़ के एक मकान बनता है, उसी तरह से छोटी छोटी कोशिकाओं से जुड़ के हमारा ये पूरा शरीर बना है। तो कोशिका क्या चीज़ है? अगर हम कोशिका के बारे में पढ़ें, कोशिका हमारे शरीर का सबसे छोटा हिस्सा है। इन कोशिकाओं से जुड़कर बनते हैं ऊतक, और ऊतक मिलकर बनाते हैं हमारे शरीर के अंग। विभिन्न प्रकार के अंग मिलके हमारे शरीर को, पूरे शरीर को बनाते हैं। तो हमारे शरीर को हम बोलते हैं अंग तंत्र। तो हमारा पूरा बॉडी जो है वो अलग अलग ऑर्गेन्स, अलग अलग अंगों की बनी हुई है। ये सब अंग किससे बने हैं? ये सब अंग बने हैं कोशिकाओं से। इसलिए कोशिका को अगर हम लिखना चाहें कि कोशिका क्या है, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक, यानी कि जो हमारे शरीर का को बनाने वाला हिस्सा है, और क्रियात्मक, जो हमारे शरीर का काम करने वाला हिस्सा है, उसे कहते हैं। तो जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक सबसे छोटी इकाई मीन्स सूक्ष्मतम कोशिका कहते हैं। मीन्स हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका, इसको हमें सबसे पहले किसने बताया, किसने देखा? इसके बारे में हमें सबसे पहले बताया रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक, इन्होंने हमें सबसे पहले कोशिका के बारे में बताया। इन्होंने सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोशिका को देखा। इन्होंने किस प्रकार इसकी खोज की? रॉबर्ट हुक ने वृक्ष के छाल के बिल्कुल पतले पतले टुकड़े करके जब सूक्ष्मदर्शी में देखा, तो हमें कुछ बॉक्सेस दिखाई दिए। बॉक्सेस को हम कोशिका बोलते हैं। जिसका इंग्लिश में नाम है सेल, जिसका अर्थ है एक छोटा कमरा। तो इस प्रकार उन्होंने जब छोटे छोटे बॉक्स, छोटे छोटे कमरे के रूप में देखे, तो उसका नाम कोशिका यानी कि सेल रखा। और इन कोशिकाओं को इन्होंने वृक्ष की छाल के पतले तत्ते सूक्ष्मदर्शी में जब देखे, तो उन्हें कोशिका दिखाई दी। जो ये डिस्कवरी हुई 1665 में कोशिका को सबसे पहले देखा गया। तो कोशिका जो है वह विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे हमारे पास कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की हैं। जिस प्रकार कोशिकाओं के देखो विभिन्न आकार हैं, ये गोलाकार हो सकती हैं, ये बिना किसी आकार की भी हो सकती हैं, और ये जो है शाखान्वित ब्रांचेस की तरह शाखान्वित भी हो सकती हैं, या फिर ये गोलाकार हो सकती हैं, ये
तैरने वाली कोशिकाएं भी हो सकती हैं। और गोलाकार, अंडाकार, विभिन्न प्रकार के आकार की कोशिकाएं होती हैं, जिसमें से कुछ कोशिकाएं हमें यहाँ दिखाई गई हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, जीवाणु, ल्यूकोसाइट्स, तंत्रिका कोशिका, अमीबा, मेंढक की लाल रक्त कोशिकाएं, अस्थि कोशिका, डायटम, अरेखित पेशी तंतु और मनुष्य में स्पर्म यानी कि शुक्राणु जो नर जनन कोशिका है। इस प्रकार कोशिकाओं के आकार विधि अलग अलग हो सकते हैं। कुछ कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं और कुछ कोशिकाएं बड़ी होती हैं। तो विभिन्न प्रकार की विभिन्न आकार की कोशिकाएं आप इसमें देख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे छोटी कोशिका का नाम दिया हुआ है, जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक सबसे छोटी कोशिका है। माइकोप्लाज्मा जीवाणु जिसकी एक कोशिका जो एक ही कोशिका से बना है और उसकी कोशिका का आकार जो है वो 0.1 माइक्रोन है, मीन्स 0.0001 मिलीमीटर के बराबर। इस प्रकार जीवाणु कोशिकाएं, अमीबा, जंतु कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, सबका विभिन्न प्रकार का आकार दिया हुआ है बढ़ते क्रम में। और हम लास्ट में सबसे बड़ी कोशिका के बारे में अगर पढ़ें तो जो एक अंडा होता है वो भी एक कोशिका है, और वो अंडा भी हमें पता है कि सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है। तो इस प्रकार सबसे बड़ी कोशिका हुई शुतुरमुर्ग का अंडा। अब हमारे पास है दो प्रकार की कोशिकाएं जो एक है जंतु कोशिका और एक है पादप कोशिका। अब जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है? ये है हमारी पादप कोशिका और ये है जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में एक मुख्य अंतर यह है कि दोनों की कोशिकाओं के बाहर की दीवार में फर्क है। कोशिकाओं की जो बाहर की परत होती है वो अगर एक ही परत है तो वो एक जंतु कोशिका होगी, जबकि अगर वो दो परत है तो वो पादप कोशिका होगी। मतलब पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दो परतें होती हैं। कोशिका भित्ति सबसे बाहरी परत है जो बहुत हार्ड होती है, जो सख्त होती है और सेलुलोज की बनी होती है। तो पौधों में बाहर की छाल से आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी त्वचा सख्त होती है क्योंकि उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होगी, जबकि पादप कोशिका जंतु कोशिका में सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन और वसा की बनी होती है और यह नरम और लचीली होती है, इसलिए जंतु कोशिका की बाहरी परत कोशिका झिल्ली है और पादप कोशिका की जो बाहर वाली परत है जो हार्ड है वो कोशिका भित्ति है। अब इन दोनों में हमें पता है एक मुख्य अंतर और है, जैसे पादप कोशिकाओं में हरे रंग की कोशिकाएं होती हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल के लिए उनमें होता है क्लोरोप्लास्ट, मीन हरित लवक। हरित लवक यहाँ पर है जबकि यहाँ पर यह हरित लवक नहीं है। हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो है जहाँ क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल एक हरा रंग है, हरित मीन्स हरा, वर्णक मतलब रंग, एक हरा रंग क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट में मिलता है और वो सिर्फ पादप कोशिका में होगा। आप देख सकते हैं कोशिका जो है वो हरी दिखाई गई है आपको समझाने के लिए कि कोशिका जो पादप कोशिका है उसमें हरा रंग पाया जाता है जो हरित लवक में उपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता, इसलिए जंतु कोशिकाएं हरी नहीं होती।
तो इसका मेन कारण यही हुआ, मुख्य इसकी वजह से पादप कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण कर सकती हैं और अपना भोजन बना सकती हैं, लेकिन जंतु कोशिकाओं कोशिकाएं उनके पास हरितलवक नहीं है, इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकती और अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती। तो इसीलिए हमें जो है पौधों को बाहर से खाना देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्योंकि वो अपना खाना जो है वो खुद बना लेती है, जबकि जंतु कोशिका को हमें भी खाना खाना पड़ता है, तो क्योंकि हमारे में क्लोरोफिल नहीं है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कोशिका वह संरचना है जो हमारे शरीर में काम करती है। कोशिका में विभिन्न भाग हैं जो अलग अलग हिस्सा अलग अलग भाग अपना अलग अलग कार्य करता है, और जिसकी वजह से हमारा शरीर या पौधों का शरीर उस प्रकार के कार्य करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने जो पढ़ा वो है हमारा कोशिका के विभिन्न प्रकार, कोशिका के विभिन्न आकार और दो प्रकार की पादप और जंतु कोशिकाओं की संरचना। तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारी अगली वीडियो में। सो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और साथ में आगे आने वाली वीडियो को भी देखिए। थैंक यू।